यूट्यूब चैनल न्यूज़ रूम में। अभी येस बैंक को लेके बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन है कि येस बैंक के शेयर में क्या करना चाहिए। बैंकिंग सेक्टर में अगर देखेंगे तो प्राइवेट सेक्टर का बैंक है येस बैंक, और स्टॉक का प्राइस बहुत ज़्यादा कम है। अगर बाकी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का हम लोग देखते हैं, शेयर का प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो येस बैंक को लेकर अगर देखेंगे तो येस बैंक की ओर से जो वेडनेसडे को एक अपडेट देखने को मिला है, जहाँ पे येस बैंक ने कहा है कि रिपोर्टेड क्रेडिट ग्रोथ ऑफ 11.3% एट ₹2.01 लाख करोड़ इन द मार्च 2023 क्वार्टर। तो येस बैंक की ओर से एक बहुत बड़ा अपडेट है, जहाँ पे येस बैंक ने ये इन्फॉर्मेशन दिया है। क्रेडिट ग्रोथ अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जो कि 11.3% के आसपास बढ़ गया है, 2.01 लाख करोड़ के आसपास। आउटस्टैंडिंग क्रेडिट का अगर बात करते जो कि 1.81 लाख करोड़ था एट द एंड ऑफ मार्च 31, 2022 येस बैंक से, तो एक साल पहले दोस्तों इसी इसका देखेंगे क्वार्टर का, जहाँ पर आउटस्टैंडिंग क्रेडिट जो है 1.81 लाख करोड़ का था, और अभी यहाँ पे एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। 11.3% का ग्रोथ बहुत ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। एंड लेंडर का अगर देखेंगे, येस बैंक का लेंडर जो है रजिस्टर 12.9% ग्रोथ जो है यहाँ पे, डिपॉजिट एक्सक्लूडिंग सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट CDS। तो येस बैंक के जो लेंडर्स है उनके अगर बात करते तो जो है 12.9% का जो है ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। और अनदर प्राइवेट सेक्टर लेंडर कर्नाटका बैंक पोस्टर 6.1% इंक्रीज ऑफ टोटल लोन्स टू ₹61,326 करोड़। तो येस बैंक अभी जैसा अगर देखेंगे तो अभी जैसे येस बैंक में एक ग्रोथ बनता हुआ दिख रहा है, येस बैंक की ओर से अपडेट्स बनता हुआ दिख रहा है, तो हमें लगता है दोस्तों येस बैंक एक बहुत ही बढ़िया आगे चल के ग्रोथ यहाँ पे दिखा सकता है। तो फिलहाल स्टॉक में खरीदारी करने का हम लोग कुछ भी यहाँ पे सलाह नहीं दे रहे हैं येस बैंक को। और एक चीज़ आप देख सकते हैं, जहाँ पे उत्तराखंड के जो CM है उनके ओर से एक हेल्थ ATM इंस्टॉल किया गया है, JK Tire लिमिटेड कंपनी एंड येस बैंक अंडर CSR एट द सेक्रेटेरियट ऑन थर्सडे। एंड उत्तराखंड के गवर्नमेंट जो ये इन्फॉर्म किया है, स्टेटमेंट किया है कि येस बैंक हैज़ इंस्टॉल वन हेल्थ ATM ईच इन सचबलिया डिस्पेंसरी। तो येस बैंक की ओर से बहुत सारे अगर बोल सकते हैं कि उसके बिजनेस को लेके भी, येस बैंक का तो बिजनेस को लेके भी बहुत सारे अभी यहाँ पे अपडेट्स देखने को मिल रहा है। तो येस बैंक और SBI का जो भी चल रहा था, जहाँ पे SBI ने जो येस बैंक के स्टेक वगैरह बेचा, तो उसके बाद जो है मार्केट में एक बोल सकते कि ये चल रहा है, क्रेजीनेस चल रहा है, जहाँ पे येस बैंक के शेयर को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा चल रहा है। तो फिलहाल यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे अगर देखेंगे तो येस बैंक की ओर से ऐसा किया जा रहा है, जिसके चलते हम लोग बोल सकते हैं कि येस बैंक आगे चल के एक अच्छा बैंक साबित हो सकता है। वही अगर बात करेंगे दोस्तों, ये भी बहुत सोचने वाली बात है कि येस बैंक में हम लोग क्या टारगेट प्राइस रख के चले, तो बहुत ही छोटा टारगेट प्राइस रखना है अगर येस बैंक के शेयर में कोई भी खरीदारी करता है। फिलहाल हम लोग यहाँ पे येस बैंक के शेयर को लेके या फिर येस बैंक के टारगेट प्राइस को लेकर कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे आपको, आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं अगर येस बैंक में हम लोग खरीदारी करते हैं तो येस बैंक में क्या चल रहा है, उसका ग्रोथ क्या है येस बैंक का। तो फिलहाल यहाँ पे दोस्तों अगर देखते हैं तो हम लोग येस बैंक के शेयर को जो एक मिड रेंज परफॉर्मर कहा जा रहा है, और शेयर जो है फिलहाल अभी ऐसा कुछ ये नहीं है खरीदने के लिए जो एक होता है, मतलब बहुत ज़्यादा जो है खरीदारी वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा है। तो येस बैंक का अगर हम लोग देखते हैं दिसंबर 2022 में जो क्वार्टरली रिजल्ट आया था, जहाँ पे टोटल रेवेन्यू में 24.7% का जंप देखने को मिला था, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 24.5% हो गया था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं 630.8% का गिरावट बनता हुआ दिखा था ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, एंड EBITDA में जो है 14% का यहाँ पे जंप देखने को मिला था, और नेट प्रॉफिट जो है दोस्तों 79.3% गिरावट बनाया। तो येस बैंक का जो यहाँ पे अगर समझते जो इसका रिजल्ट वगैरह भी आया था दिसंबर 2022 क्वार्टर में, तो रिजल्ट भी कुछ खास देखने को नहीं मिला था जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट आया था। और वही बात करते टेक्निकली जो है येस बैंक का शेयर फिलहाल अभी भी हमें स्ट्रॉन्ग नहीं लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं येस बैंक के शेयर को जो एक टेक्निकली जो यहाँ पे न्यूट्रल लेवल पे फिलहाल चल रहा है। RSI इंडिकेटर भी यहाँ पे कुछ खास ऐसा नहीं बता रहा है कि स्टॉक में खरीदारी करना चाहिए। MACD का इंडिकेटर भी जो यहाँ पे एक बेयरिश लेवल बता रहा है। तो ऐसा नहीं है कि येस बैंक के शेयर में तेजी नहीं बनेगा या फिर येस बैंक के शेयर में और ज़्यादा गिरावट नहीं बना सकता है, गिरावट जरूर बना सकता है, और बहुत ही सोच समझ के हमें खरीदारी करना है छोटा टारगेट प्राइस के लिए। वीडियो को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं दोस्तों, कोशिश किया येस बैंक को लेकर जो भी अपडेट्स आपके साथ वो शेयर किया जाए। उम्मीद है जो इन्फॉर्मेशन दिया अच्छा लगा रहेगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ रूम को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए।